बराड़ी प्रखंड के लक्ष्मीपुर पंचायत स्थित मां लक्ष्मी पेट्रोल पंप से हथियारबंद अपराधियों ने लूटकांड की घटना को अंजाम दिया है। पेट्रोल पंप के उप संचालक मनोज भगत व मैनेजर मोहम्मद साविर अंसारी के अनुसार पूर्णिया से आए 10 हथियारबंद अपराधियों ने दोपहर समय करीब 2:30 बजे पेट्रोल पंप के उप संचालक मनोज कुमार भगत पर बंदूक रखकर 11,70,000 रुपए, 2 5-5 लाख के चेक, एक लाइसेंसी राइफल, 10 mm के 150 पीस गोली व पंप के सभी स्टाफ को बंधक बनाकर उनसे मोबाइल छीनकर फरार हो गए। उन्होंने पूर्णिया के पूर्व मेयर पति प्रताप कुमार सिंह पर लूट कांड का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि सारे अपराधी 2 स्कॉर्पियो में आए थे। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि पूर्व में रूप प्रकाश सिंह और मनोज कुमार भगत के बीच पैसे का लेन देन के मामला चल रहा था, जिसके तहत पूर्व से ही केस चल रहा है। मामले को लेकर बराड़ी थाना प्रभारी ने बताया मामले की जांच की जा रही है। क्या मामला है? हम पेट्रोल पंप पर रूम में आराम कर रहे थे। रूप प्रकाश सिंह पूर्णिया के, प्रताप सिंह पूर्णिया के, उनके साथ करीब 8-10 और हथियारबंद अपराधी ही कहिए उसको, अपराधी लोग आए, हमको हथियार के बल पर उठा के बैठा दिए। बोला कि उसके द्वारा हमारे केस चल रहा है पहले का, तो बोला पैसा देगा कि गोली खाएगा। हाँ, उसके बाद मेरा राइफल, मेरा बैग में रुपया रखा हुआ था, गोली भी था उसमें, वो लोग ज़बरदस्ती हमसे छीन लिया। अब बोला चेक दो हमको अभी साइन कर और नहीं तो ज़मीन हमको रजिस्ट्री करके दो, नहीं तो एग्रीमेंट करके दो। मारा पीटा, हम लोग का स्टाफ का टोटल का मोबाइल छीन लिया था। और उसके बाद वो लोग यहाँ से मेरा राइफल, बैग जिसमें गोली था, 11,70,000 रुपया था, हम बैंक जमा करने जा रहे थे, लेके भाग गया। हम फ़ोन कर रहे हैं, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। एक बार प्रताप सिंह फ़ोन उठाया, बोला हम शाम तक में तुमको राइफल और तुम्हारा बैग तुमको पहुंचा दें। तो क्या प्रशासन को खबर किए? प्रशासन को, थाना अध्यक्ष को, हमारे पास जो नंबर उपलब्ध था उनमें हम प्रशासन को खबर किए हैं। उनके तरफ से संतावना हुआ है कि जो आप कार्रवाई कहेंगे वो करेंगे। हमके सर हमको केस करना है, तो हाँ हम लोग पूर्ण सहयोग में हैं, आ रहे हैं, केस करेंगे। क्या नाम हुआ? मनोज कुमार भगत, बराड़ी कटिहार। क्या मामला है? मामला है, हम लोग बैंक जाने की तैयारी में थे, मनोज भैया को बुलाए बैंक जाने के लिए। मनोज भैया आए थे, 11,70,000 को मिला के बैग में रखे, मनोज भैया के पास में था। बोलो अचानक दो गाड़ी से आए चारों तरफ। मनोज क्या पेट्रोल पंप का मालिक है? जी नहीं, टेक केयर है, वो चलाते हैं वही, इसके द्वारा संचालित है। उनके पास बैग में पैसा रखा हुआ था 11,70,000, अचानक आए वो लोग चारों तरफ से घेर लिया, हम लोग का मोबाइल भी ले लिया। कितने आदमी थे वो लोग? लगभग 10 आदमी। क्या चीज़ से आए थे? दो गाड़ी से, सर चार पहिया से। अच्छा, फिर क्या हुआ? मनोज भैया से कुछ बाता बती हुआ, तो उसके बाद जो है वो हाथी मनोज भैया का राइफल और पैसा, बैग का पैसा लेके चले। और कुछ गोली के नौ हथियार भी थे वो लोग साथ में लेते। अच्छा, वो लोग हथियार के साथ थे? जी, राइफल भी था, पिस्टल भी था कमान। तो आप लोग को कुछ नहीं बोला? हम लोग का मोबाइल, सभी स्टाफ का मोबाइल वो जब्त कर ले लिया। सभी स्टाफ का? कौन सा जगह है ये जी? कौन सा जगह पे हुआ घटना? ये पेट्रोल पंप पे। कौन सा जगह है ये? बरारी वहाँ लक्ष्मी पेट्रोलियम सर्विसेज, बरारी कटिहार। ये लक्ष्मीपुर में पड़ता है जी, पंचायत में? पंचायत में पड़ता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद साबिर अंसारी। अच्छा, आप किस पे, इस पे पद पे हैं? यहाँ पे हम मुंशी में है। मुंशी में है? मैनेजर का काम करता।